दोस्तों आज की कहानी है ननन जी मायके आकर आग लगाने की कोशिश मत करो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी आपने अपनी बहू की फोटो देखी है जो उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। सीमा अपनी भाभी रिम्पी को मोबाइल पर उनकी बहू नीति की फोटो दिखाने लगी। अभी नहीं देखा क्यों, क्या हुआ? रिम्पी ने हंसते हुए पूछा। भाभी उसे आप लोगों की इज्जत की कोई परवाह नहीं, माना कि वो अलग दूसरे शहर में रहती है लेकिन सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने से पहले उसे एक बार तो अवश्य सोचना चाहिए कि सभी रिश्तेदार और सास ससुर भी देखेंगे तो क्या सोचेंगे। सीमा ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा बात तो सही कर रही है आप, लेकिन आप किस फोटो की बात कर रही हो? मुझे तो कोई भी फोटो ऐसी नहीं मिली जिससे ये लग रहा कि हमारी इज्जत चली गई। रिम्पी ने मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए कहा, आपको नहीं दिखा, हो सकता है कि उसने आपको ब्लॉक या हाइड कर दिया हो। रुको मैं अपने मोबाइल पर आपको दिखाती हूँ। सीमा जल्दी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खोलकर रिम्पी को दिखाने लगी। नीति की फोटो देखते ही रिम्पी ने कहा, अरे ये फोटो वाव, कितनी सोनी कुड़ी लग रही मेरी बहू, इसके ऊपर ये ब्लैक ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। पता है दीदी, ये ड्रेस मैंने ही उसे गिफ्ट की थी उसके जन्मदिन पर। अरे उसने तो सिर्फ एक फोटो पोस्ट की। मैं आपको अपने मोबाइल में और फोटो दिखाती हूँ। नीति के ऊपर सभी तरह के ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखो रेड गाउन में गॉर्जियस लग रही है। क्या ये ड्रेस आपने खुद खरीद कर दी? नीति को सीमा ने आशीष से पूछा। हाँ क्यों नहीं दे सकती, जब आपकी बेटी ऐसे ड्रेस पहन सकती है तो मेरी नीति क्यों नहीं? क्योंकि वह बहू है। और अगर आपको नीति को इस ड्रेस में देखकर प्रॉब्लम हो रही थी तो आपने उसे कमेंट में ये क्यों लिखा, वो लुकिंग स्मार्ट। एक तरफ आप उसको अच्छा कमेंट करके सराहना दे रही हो और फिर पीछे से मेरे पास आकर उसकी सुगली कर रही हो। रिम्पी ने गुस्से से सीमा को देखा तो वह शक पका गई। नहीं भाभी, मैं सुगली नहीं कर रही थी, मैं तो बस कंसर्स दिखा रही थी ताकि आगे चलकर आप ये ना कहे कि सीमा तुमने मुझे आगाह नहीं किया और बहू ने खानदान का नाम खराब कर दिया। सीमा अपनी तरफ से सफाई देते हुए बोले, दीदी जी आपका कंसर्न बहुत अच्छे से समझती हूँ क्योंकि आपकी इसी सुगली करने की आदत ने मेरा जीना मुहाल कर दिया था। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार खाना खिलाते समय पापा जी और जेठ जी के सामने मेरे सिर से जरा सा पल सरक गया था तो आपने नमक मिर्च लगा कर सासू जी को बोला और उन्होंने भी बात को बिना सोचे समझे मुझ पर और मेरे संस्कारों पर सो सवाल खड़ा कर दिया था। आप जब तक मायके रहती सिर्फ और सिर्फ सास और बहुओं के बीच आग लगाने की कोशिश करती थी। आपकी साला क्या मुझे और जेठानी जी को समझ आने लगी थी, इसलिए हम दोनों को आप कभी अलग नहीं कर पाई और अब आप फिर से वही सब कुछ मेरे और दीति के बीच कर रही है करना चाह रही है। नीति को मैंने पहले से आगाह कर रखा है कि कभी की कोई तुमसे मेरे बारे में या तुमसे रिलेटेड बात कहे तो मुझसे पहले जरूर पूछ लेना, फिर अपनी राय बनाना। आप हमेशा उसे फोन करके बताती हैं कि मैंने आपके साथ और सासू जी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आज जब बात
खुली गई है तो आप मुझे बताइए कि क्या किया था मैंने, मेरे किस खराब व्यवहार से आपको परेशानी या तकलीफ हुई। एक साथ रिम्पी के प्रश्नों का सीमा के पास कोई जवाब नहीं था। संभल जाओ दीदी जी, कुछ दिनों में आपकी भी बहू आने वाली है, कहीं ऐसा ना हो इस उंगली करने की आदत से आपका बुढ़ापा अकेले कटे और एक गिलास पानी भी देने वाला पास ना हो। एक बात और दीदी जी, सोशल मीडिया पर फ्रेंड बनकर मेरी बहू पर नजर रखना बंद कीजिए, क्योंकि उसके अच्छे बुरे का ख्याल रखने के लिए मेरा बेटा है। तो आप इतना कष्ट मत करिए, रिम्पी ने सीमा को चेता दिया। उसी समय सीमा के सामने ही रिम्पी ने दीदी को फोन किया और कहा, ऐसे रिश्तेदारों को जो तुम पर नजर रखने के लिए फ्रेंड बने हैं, तुरंत उन्हें ब्लॉक करो। रिम्पी ने सीमा दीदी को अच्छे से समझा दिया कि सुंगली करके आप हमेशा अपने आप को इंटरटेन नहीं कर सकती। सुंगली के दुष्परिणाम आपको भी भुगतना पड़ सकता है।